वेलकम टू एडवेंचर। यहाँ के खुले आसमान के नीचे आपके भीतर प्रसन्नता के हार्मोन्स के झरने बहने लगेंगे। यहाँ की वादियों की ताजगी आपके मन के तारों को ताजा कर देंगी और शांत कर देंगी। यहाँ की हरियाली आपकी आंखों को हरा भरा कर देगी। इसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। पहलगांव बैसरन घाटी में आपका स्वागत है। कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगांव से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर स्थित बैसरन घाटी एक बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, जिसकी शांति और सुंदरता के कारण ही इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यह एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित हरा भरा घास का मैदान है, जो घने देवदार के जंगलों से घिरा हुआ बर्फ से ढका हुआ पहाड़ है। जम्मू और कश्मीर की इस खूबसूरत जगह पर आप या तो पैदल या घोड़े पर सवार होकर जा सकते हैं। घोड़े पर सवार होकर जाने की लागत लगभग 1500 रुपए प्रति व्यक्ति आती है। घोड़े की सवारी के दौरान कुछ जगहों पर आपका दिल कुछ ज्यादा धक-धक धड़कने लगेगा। जब घोड़ा चढ़ाई चढ़ेगा और दुर्गम मार्ग से गुजरेगा, आपको डर सा महसूस होगा, क्योंकि रास्ता कीचड़ भरा और फिसलन भरा। लेकिन घबराइएगा नहीं, यहाँ के घोड़े बिल्कुल प्रशिक्षित हैं और आपको आसानी से आपकी मंजिल तक पहुँचा देंगे। पैदल यात्रा उन लोगों के लिए एक बढ़िया अवसर है जो खुद के साथ प्रकृति के साथ समय बिताना चाहते हैं। मैंने पैदल यात्रा शुरू की, हमारे मित्रों ने घोड़े की सवारी की। यात्रा के बीच में बारिश की वजह से बहुत कीचड़ हो जाता है। बीच में कुछ छोटे छोटे घर टेंट्स भी मिलते हैं। एक खरगोश भी दिखा। एक पहाड़ी बच्ची से मिले जिसके पास खरगोश था। हमने उस बच्ची और खरगोश की फोटो क्लिक की और आगे बढ़ गए। वैसरन घाटी पहलगांव की सुंदरता मनमोहक है। हरी भरी पहाड़ियों से लेकर घुमावदार धाराओं तक दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मनमोहक नजारे तक यह घाटी सदियों से यात्रियों के लिए पसंदीदा जगह क्यों रही है। इसके रमणीय परिदृश्य और शांति वातावरण के कारण ही लोग इस स्थान की ओर आकर्षित होते हैं। वैसरन घाटी तक का ट्रैक लगभग 7.5 किलोमीटर का है। कुल लगभग 15 किलोमीटर ऊपर जाना और नीचे आने तक का ट्रैक है। घोड़े की सवारी ऊपर जाने पर आपको लगभग 1 घंटा और नीचे आने में लगभग 20 से 25 से 30 मिनट लगेंगे। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आपको ऊपर जाने में लगभग 1.5 घंटा, आने में लगभग 45 मिनट लग सकते हैं। समय आपकी गति पर निर्भर। जब आप अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे तो आपको शानदार दृश्य, हरा भरा खूबसूरत मैदान मिलेगा और शांतिपूर्ण वातावरण सुखद लगेगा। आप यहाँ होने वाली बहुत सी गतिविधियों में भाग भाग के भाग ले सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं, क्रिकेट भी खेल सकते हैं। मैंने खुद क्रिकेट खेला। और नागेंद्र जी हमारे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। वेरी वेल डन नागेंद्र जी, नेशनल लेवल पे खेलेंगे। हाँ सुना है, सुना है। Okay, लाया भी होगा। ट्विंकल जी, मैं आ रहा हूँ। वो कैमरा बंद हो गया भाई। एंड वी आर राइट, आई थिंक चलना चाहिए मैं दूसरे प्लेस के लिए। और यहाँ चाय, कॉफी, पकोड़े, नूडल्स भी खा सकते हैं। जो दिल में करे वो कर सकते हैं। रुको मैं बता देता हूँ, बस वो प्याज पकोड़े दे दो भैया जल्दी से, इससे पहले वो खून कर दे हमारा। चल बोल कोमल कुछ। अब हम मैगी खा रहे हैं। सर इतने उदास क्यों बैठे हैं? मुझे मैगी नहीं मिल रही है। ये लोग अकेले में अकेले मैगी खा रहे हैं। सर लो सर लो सर लो। और ये नागेंद्र जी मैगी के साथ स्ट्रगल करते हुए। ये मैगी कितना ऑल्टीट्यूड है यहाँ पे?
8900। असली मैगी खाने के मजा पहाड़ों के बीच में है, इसलिए हम दूसरी बार मैगी खा रहे हैं, क्योंकि हम जब तक पहाड़ पे रहते हैं हमें मैगी चाहिए ही होगी, चाहे हम जितनी देर भी रहे। भैया सॉस दे दो थोड़ा सा, तो इसलिए मजा नहीं आ रहा। बोला था ना भजिया, बोला था नागेंद्र जी बहुत चहकते महकते इसलिए क्योंकि इनकी कड़क चाय आ गई है पकौड़ों के साथ। अगर हम अभी नहीं निकले तो हमारे घोड़े वाले हमें छोड़ जाएंगे और हम कहीं के नहीं रहेंगे। अब मुझे रास्ता पता है, अब मैं ले जाऊंगा सबको स्विट्जरलैंड। यस एग्जैक्टली, जो आप देख रहे हैं ये है इंडिया की स्विट्जरलैंड। इट इज कॉल्ड मिनी स्विट्जरलैंड बाय द पीपल। गिरना मत लगेगा, नहीं गिरूंगा। नागेंद्र जी इज हैविंग अ उल्टा एक्शन। आई गॉट, मैं तो वो आदमी, वो लोग मिले मुझे ना तो फिर मेरा वो हुआ। नागेंद्र जी जंगल पार करके आए, हम लोग सब घोड़े में आए, पर नागेंद्र जी वांटेड टू टेक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी सीरियसली एंड वो जंगल से आए और जंगल पार करके उन्होंने नया ग्रुप ऑफ पीपल से मिले और रात होने से पहले वापस घर जा सकते हैं। वापस जाते समय भी आपको वही शांत वातावरण, पेड़, हरियाली, झरने, पहाड़ का साथ मिलेगा। आप इन पेड़ों से बात करते हुए, झरनों को सुनते हुए, पहाड़ों को देखते हुए पहलगांव वैसरण घाटी एक अविस्मरणीय अनुभव जो आपको तरोताजा और ऊर्जावान कर देगा। आप इसकी सभी प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले पाएंगे और साथ ही ट्रैकिंग, कैंपिंग, जानवर पशु पक्षी देखने जैसी कई गतिविधियों का आनंद ले पाएंगे। यहाँ सभी के लिए कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। आप जब भी यहाँ आए आपकी यात्रा खूबसूरत और शांतिपूर्ण हो। आपने हमारा वीडियो देखा, आपका आभार, दिल से शुक्रिया। लव एंड पीस टू ऑल। अस्तित्व फिल्म्स।